नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दीदी की रसोई को देखेंगे मुख्यमंत्री नीतीश। विदेश में नौकरी के नाम पर बिहार में सामने आई ठगी। बिहार पंचायत चुनाव में वोट डालने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक का नहीं करना होगा सफर तय। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की बहस हुई पूरी। 22,000 करोड़ रुपए में बदलेगी गांव की तस्वीर। अब चले बढ़ते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नीरज चोपड़ा की जीत पर बिहार में दिखा जश्न। टोक्यो ओलंपिक में देश का पहला गोल्ड जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने हासिल किया है, जिसके बाद पूरे देश में उनकी इस जीत के चर्चे हो रहे हैं। इसी बीच बिहार में भी नीरज चोपड़ा की जीत का जश्न मनाते देखा गया। बिहार में छपरा जिले के लोगों ने सड़क पर उतरकर आतिशबाजी की और देशभक्ति के नारे लगाए। ज्ञात हो नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने के बाद ही लोगों ने छपरा के नगरपालिका चौक पर जमकर आतिशबाजी की और सारण जिला भारोत्तोलन संघ और अन्य खेल संघों ने ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने पर जश्न मनाया। स्वर्ण पदक जीतने पर जश्न मनाने के दौरान ही सांसद रवि प्रताप रूडी ने स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी दी। बिहार में अब बीडीओ और डीडीसी का कम हो सकता है दबदबा। पंचायती राज विभाग को पंचायत राज अधिनियम में संशोधन के गजट प्रकाशन के बाद बिहार सरकार सभी जिलों में तैनात डीडीसी यानी कि उप विकास आयुक्त और बीडीओ की शक्ति छीन सकती है। हालांकि जानकारों की माने तो इन दोनों की शक्तियां जाना लगभग तय है, जिसके बाद अब सभी जिलों में नए पदाधिकारियों की तैनाती होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार जिला परिषद के डीडीसी और पंचायत समिति से बीडीओ को बेदखल कर उप विकास आयुक्त की जगह पर बिहार के सभी जिला परिषदों में नए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की तैनाती करने पर विचार कर रही है। वहीं पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेदारी अब बीडीओ से छिनकर वहां के पंचायती राज पदाधिकारी को दे दी जाएगी। दीदी की रसोई को देखेंगे मुख्यमंत्री नीतीश। मोतिहारी जिले के सदर अस्पताल में कुछ दिन पहले ही जिले का दीदी की रसोई में मरीजों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसकी महक अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंच गई है। जानकारों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोतिहारी सदर अस्पताल में संचालित दीदी की रसोई के खाने से इतने ज्यादा प्रभावित हुए हैं कि जल्द ही वो खुद ही व्यक्तिगत तौर पर इसका अवलोकन करने जा सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों की माने तो 10 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दीदी की रसोई की पूरी व्यवस्था का ऑनलाइन जायजा लेंगे। वहीं जीविका दीदी रसोई में बनने वाले भोजन, साफ सफाई सहित कई बिंदुओं पर चर्चा भी करेंगे। वहीं शनिवार को अस्पताल में संचालित दीदी की रसोई का निरीक्षण करने जिला अधिकारी भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने जीविका दीदी की इस पहल को सराहनीय बताया है। विदेश में नौकरी के नाम पर बिहार में सामने आई ठगी। जब से बिहार में बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है, तब से ही ठगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि विभाग चाहे जो भी हो, ठग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक वाक्य राजधानी पटना में सामने आया है। पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार खाड़ी देश में नौकरी और वीजा दिलाने के नाम पर बिहार और यूपी के 300 से अधिक लोगों से करीब 60 लाख रुपए की ठगी की गई है, जिसको लेकर हाल ही में कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है। कोतवाली पुलिस ने मैन पावर कंपनी के डायरेक्टर मिथिलेश पांडे, शीतल वर्मा समेत 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। हालांकि पुलिस संबंधित कंपनी के कार्यालय में भी गई थी, लेकिन वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिला। कंपनी का कार्यालय पटना के डुमराव पैलेस में है। बिहार में सब्जी उपजाने वाले किसानों को अब नहीं होगी पूंजी की कोई कमी। बिहार के सब्जी उत्पादकों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार ने हाल ही में प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समिति और इससे संबंधित किसानों को सरकारी बैंक के माध्यम से ऋण सुविधा मुहैया करवाने का ऐलान किया है। इसको लेकर जल्द ही सहकारिता विभाग 1.5 लाख सब्जी उत्पादकों को किसान क्रेडिट कार्ड देने वाली है। इससे सब्जी किसानों की पूंजी की समस्या दूर होगी। इस काम में राज्यों के सहकारी बैंक मदद करने वाले हैं। पहले चरण में 25,000 सब्जी उत्पादकों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की प्रक्रिया जारी की गई है। हालांकि इसमें अभी 20 जिलों को फिलहाल शामिल किया गया है, जिसमें भोजपुर, बक्सर, छपरा, गोपालगंज, सिवान, पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल जिले का नाम शामिल है। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की बहस हुई पूरी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लंबे अरसे बाद जेल से रिहा हुए हैं। अभी भी लालू प्रसाद यादव की जिंदगी में एक मामला परेशानी का सबब बना हुआ है। हालांकि इस मामले को लेकर जल्द ही निर्णय आने की उम्मीद जताई जा रही है। मामला है चारा घोटाले से जुड़े सबसे बड़े मामले को रांची में सीबीआई की विशेष अदालत में इस मामले में सीबीआई की तरफ से शनिवार को बहस पूरी कर ली गई है। लालू प्रसाद यादव और अन्य अभियुक्तों की तरफ से बहस होनी है, जिसके बाद कोर्ट का फैसला कभी भी आ सकता है। आपको बता दें, झारखंड में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले से जुड़े 5 मामलों में अभियुक्त है। 4 मामलों में कोर्ट का फैसला आ चुका है। लालू यादव को सभी मामलों में सजा सुनाई गई है। चारा घोटाले के 5वें और लालू यादव से जुड़े आखिरी मामले में रांची की सीबीआई कोर्ट में तेजी से सुनवाई हो रही है। हाईकोर्ट ने भी 6 महीने में मामले का निपटारा करने का आदेश जारी किया था।
बिहार पंचायत चुनाव में वोट डालने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक का नहीं करना होगा सफर तय। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। हालांकि वोटरों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिले, यही कोशिश राज्य निर्वाचन आयोग की है। यही कारण है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने आयोजित होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर साफ कहा है कि अधिकारियों ये सुनिश्चित करें कि किसी भी वोटर को अपने घर से 2 किलोमीटर से ज्यादा का सफर नहीं करना पड़े। इस बाबत नए नगर पालिकाओं के गठन के बाद सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके तहत अब तक राज्य में 1,12,000 बूथ की स्थापना कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए हर वार्ड में बूथ की स्थापना का निर्देश दिया है। आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव में एक बूथ पर औसतन 800 से 850 मतदाता ही मतदान कर पाएंगे। ऐसे में बूथों की संख्या बढ़ाई जाए जिससे मतदाताओं को कोई परेशानी न हो। पटना मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हुआ खारिज। पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी किया गया था। हालांकि राहत की बात यह रही कि उनके खिलाफ दायर किया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। शनिवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद वोटिंग के दौरान 30 पार्षद उपस्थित थे, जिसमें कुल मिलाकर 7 पार्षदों ने वोट किया। दोपहर में सीता साहू के खिलाफ 5 उनके समर्थकों ने वोट डाला, जबकि 23 पार्षदों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, जिसके तहत ही सीता साहू के खिलाफ दायर की गई अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गई है। जानकारों की माने तो सीता साहू को हटाने के लिए जरूरी 38 मत नहीं डाले गए, जिसके तहत अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया गया है। वहीं सीता साहू ने इस बाबत कहा कि उनके खिलाफ जो भी प्रस्ताव लाए गए थे वो निराधार थे, इसका कोई आधार नहीं था। 22,000 करोड़ रुपए में बदलेगी गांव की तस्वीर। बिहार में पंचायतों के लिए सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है, जिसके तहत सरकार सभी पंचायतों के लिए जल्द ही 22,183 करोड़ रुपए जारी करने वाली है। इन रुपयों की मदद से गांव की तस्वीर बदलने की तैयारी हो रही है। सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 5वें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर यह राशि हर साल जारी की जाएगी, जिसके तहत 2022-23 में पंचायती राज संस्थाओं पर कुल 4,559 करोड़ रुपए, तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5,123 करोड़ रुपए और 5वें वर्ष 5,831 रुपए जारी किए जाएंगे। पंचायत को कुल मिलाकर राशि का 70% हिस्सा ग्राम पंचायत को, जबकि 15% राशि पंचायत समिति और 15% राशि जिला परिषदों को दी जाएगी। इसके साथ ही पंचायत को दी जाने वाली राशि 3 भागों में बांट कर दी जाएगी, जिसमें विकास निधि मद में 30%, मेंटेनेंस निधि के रूप में 20% और सामान्य निधि के रूप में 50% राशि मिलेगी। 13 अगस्त को 276 सेंटर पर होगी बीएड की परीक्षा। बिहार में कोविड-19 के कारण स्थगित हुई बीएड परीक्षा के आयोजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। जानकारों की माने तो बीएड की परीक्षा 13 अगस्त को आयोजित होने वाली है, जो कि कुल मिलाकर 276 सेंटर पर आयोजित की जाएगी। इस बाबत राज्यपाल और कुलाधिपति फागू चौहान ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारियों की समीक्षा की और कई आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। बैठक के दौरान राज्यपाल ने आदेश दिया कि बीएड प्रवेश परीक्षा को स्वच्छ और कदाचार मुक्त कराए। परीक्षा आयोजन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 13 अगस्त को आयोजित होने वाली परीक्षा में 1,36,772 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बिहार के ज्यादातर जिलों में बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार राजधानी समेत पूरे प्रदेश में अगले 3 दिन हल्की बारिश होने के आसार जताए गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के अधिसंख्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो रविवार को सारण, वैशाली, पटना, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा आदि जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की उम्मीद है। पटना मौसम केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार का कहना है कि फिलहाल राज्य में भारी बारिश की संभावना नहीं है। वर्तमान में बीकानेर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक मानसून की ट्रफ लाइन गुजर रही है। इस दौरान राज्य में हल्की बारिश हो सकती है। जींस पहनने वालों की राजद में कोई एंट्री नहीं। यह बातें किसी और ने नहीं बल्कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कही है। उन्होंने राजनीति और जींस को एक दूसरे से जोड़ दिया है। जगदानंद सिंह का मानना है कि जो लोग जींस पहनते हैं वो कभी राजनीति नहीं कर सकते। हालांकि इसको लेकर अभी कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन साफ संकेत है कि राजद में शामिल होने वालों को जींस पहनने की अनुमति नहीं होगी। ज्ञात हो यह बातें बीते दिन जातीय जनगणना की मांग को लेकर राजद की तरफ से किए गए धरना प्रदर्शन के दौरान कही गई। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, संघर्ष करने वालों की पार्टी है। बिहार में जेलों की क्षमता से अधिक कैदी है बंद। बिहार में जेलों की क्षमता से अधिक कैदियों को जेल में बंद करके रखा गया है। गृह विभाग के रिपोर्ट के अनुसार बीते 7 महीने में जेलों में कैदियों की संख्या बढ़ी है। फिलहाल राज्य में कुल 59 जेलों में क्षमता से करीब 14,000 से अधिक कैदी बंद है। गृह विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार जुलाई अंत में कुल बंदी कैदियों की संख्या 61,405 है, जबकि इस दौरान कैदियों के रहने की क्षमता
मात्र 46,669 थी। हालांकि सबसे हैरान करने वाली बात यही रही कि राज्य में महिला कैदियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। गृह विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्ष दिसंबर के अंत में बंदी महिला कैदियों की संख्या मात्र 1712 थी, जबकि उस दौरान जेलों में महिला कैदियों के रहने की क्षमता 1927 थी। शराब के मामलों की जिम्मेदारी अब एंट्री लेकर टास्क फोर्स के हाथ। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के साथ शराब तस्कर, उपयोग और अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल आरोपियों को न्यायालय से सजा दिलाने की तैयारी बिहार में जोर शोर से हो रही है। इसको लेकर ही मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग की तरफ से कानून का पालन कराने में लगे अफसरों को निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत साफ कहा गया है कि जिन भी पुलिस कर्मियों ने शराब आरोपितों या दूसरे संसाधनों को पकड़ा या जब्त किया है, वो पुलिस अधिकारी उस कांड की जांच नहीं करेंगे। छापेमारी दल के पुलिस अधिकारी को छोड़कर थाने में मौजूद दूसरे अफसर को उस केस की जांच करनी होगी। मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों की माने तो ऐसी परिस्थिति में जो हर बार थाने यूपी में अन्य अफसर मौजूद नहीं होंगे, तो उस परिस्थिति में ही छापा दल में मौजूद पुलिस अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी दी जाएगी। अधिकारियों की माने तो छापेमारी में शामिल हुए पुलिस पदाधिकारियों को लेकर कोर्ट में लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया गया है। राजद की तरफ से किए गए विरोध प्रदर्शन पर शाहनवाज हुसैन ने कसा तंज। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बीते दिन कलेक्ट्रेट के बाहर राजद के सैकड़ों नेता मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए राजद की तरफ से किए गए विरोध प्रदर्शन को लेकर तंज कसते देखे गए, जिसके तहत उन्होंने कहा कि राजद के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो इस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे उन्हें कोई एतराज नहीं है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन कलेक्ट्रेट में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ योजनाओं की समीक्षा करने पहुंचे थे, जहां पर ही राजद की तरफ से कई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद ही उन्होंने उक्त बातें कही हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने 3 करोड़ की लागत से दुर्गा बारी गया में कई चीजों का शिलान्यास भी किया। तो चले बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार जगदानंद सिंह की तरफ से जींस पहनने वालों की राजनीति में कोई जगह नहीं होने की बात से आप सहमत है या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताए। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।